कैंपियों किधर भी होगा, मैं हैदराबाद की तरफ भी नजर रहती है। कोई भी अगर ये समझ रहा नहीं बात कर रहे भाई बादशाह मत समझो, हैदराबाद मेरा है। हैदराबाद में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहे, कौन क्या खिचड़ी पका रहे, मालूम होता छोटा है। मगर नहीं, मैं यहां का एमपी हूं और इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक रखेगा, अल्लाह जब तक जिम्मेदार बना के रखेगा, पूरी हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद में जमात को और मजबूत करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं कि नवंबर में वोटर लिस्ट के रिवीजन जो होगा नाम डालिए, देखेंगे 23 में क्या होगा। पूरे आलमाबाद में मेहमान के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय किया गया है कि दोबारा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को जो शहीद हुकूमत ने किया था उसकी दोबारा फौरन तामीर शुरू की जाए, इसका मुतालबा मजलिस के अराकीन असेंबली करेंगे। क्योंकि हुकूमत ने कोर्ट में भी जवाब दिया, असेंबली में भी एश्योरेंस दिया, हम चाहते हैं कि काम शुरू हो जाए और हमको कोई इतराज नहीं है। चीफ मिनिस्टर, मैं तो मीटिंग अभी हमारी मीटिंग में बोला भी हूं अराकीन असेंबली के चीफ मिनिस्टर ने यादादरी में जो मंदिर बनाया, लोग बोलते कोई 1200 करोड़ का है, कोई 2000 करोड़ का है, बहुत अच्छा बनाया आपने, मगर बीजेपी अपीजमेंट की बात नहीं कर सकेगी। हम बीजेपी अपीजमेंट की बात नहीं कर सकेगी, तो हम चीफ मिनिस्टर से बोलेंगे कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर सुना प्राइम मिनिस्टर को दावत दिए उसके उद्घाटन में, उसके इफ्तिताह में आए, तो आप ये भी करवा दीजिए। कितने 5-6 करोड़ की मस्जिद या करोड़ों उस हिसाब से नक्शा ही बना दिया है, तो ये मसले को उठाया जाएगा। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की जरूरत है, उस मसले को उठाया जाएगा। और ये जो नोटराइज डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री की जाए, जो हमारे इस बहुत से इलाकों में नोटराइज डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री, उसको उसके ताल्लुक से उठाया जाएगा मसले को। उर्दू टीचर्स के पोस्ट को डीरिजर्व करना है, वो मसले को उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ आपके एक 26 तारीख को 27 तारीख को मजलिस की तरफ से एक सेमिनार हम कर रहे हैं, पूरे माशियात के, सेहत के, गुर्बत के, जो एंटी पॉवर्टी की जो माहिरीन है उनको यही बुला रहा हूं मैं, ताकि वो एक पेपर बनाकर डेटा देंगे जो बताएंगे कि तेलंगाना में मुसलमानों का